सारे जूसेस डिटॉक्स वैल्यू में बहुत हाई है. ये सारे वेजिटेबल जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस नहीं हैं, तो कैलोरी डेंसिटी के हिसाब से भी इनकी कैलोरीज बहुत कम है. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी वीट ग्रास के जूस के साथ. क्लोरोफिल जो कि वीट ग्रास में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये बॉडी के हर ऑर्गन के लिए, हर सेल के लिए हीलिंग का बहुत अच्छा काम करता है. एंटी कैंसर एक्टिविटी हो या लीवर को सही करना हो या आपकी अतड़ियों को सही करना हो, शरीर में ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, इन सारी चीज़ों के लिए वीट ग्रास यानी कि जवारे का रस बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. और जिन लोगों के पास जवारे का रस मिलने की फैसिलिटी नहीं है, वो सब उसको कैप्सूल के फॉर्म में भी ले रहे हैं. आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये फ्रेश जूसेस जितना ज़्यादा अच्छे रहते हैं, कैप्सूल उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है. दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो है एलोवेरा का जूस यानी कि गवार पाठा. एलोवेरा का जूस अंदरूनी जो सूजन रहती है उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है. नॉर्मली जो प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या जिनको वेट लॉस करना है या जिनको हड्डियों से संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, इन सब के लिए एलोवेरा का जूस बहुत फ़ायदेमंद है. लेकिन एलोवेरा कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, कैसा है, फ्रेश बना है या नहीं, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको कितना फ़ायदा कर सकता है. तो ये मेरा सेकेंड फेवरेट है. तीसरा है टमाटर का रस. खून से संबंधी विकार यानी रक्त संबंधी विकार आजकल हर किसी में पाए जाते हैं. पहले सिर्फ कुछ पेशेंट्स होते थे जिनको थैलेसीमिया या इस तरह की दिक्कतें होती थी. रक्त संबंधी जितने भी विकार हैं इनके लिए टमाटर का रस बहुत फ़ायदेमंद है. ये जो टमाटर का रस है ये हर एज ग्रुप के लोगों को सूट कर सकता है. ये दिन में आप किसी भी समय ले सकते हैं. और सबसे अच्छी चीज़, मान लीजिए आपका रूटीन रोज़ टमाटर का रस पीने से हटता है जब आप बाहर जाते हैं, होटल्स में भी चाय कॉफ़ी के अलावा टमाटर का रस हमेशा अवेलेबल रहता है. तो यदि आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी रखनी है और खून से संबंधी विकार दूर करने हैं तो ये आपका नेक्स्ट फेवरेट होना चाहिए. इसके बाद हम हमेशा सोशल मीडिया पे या मैगजीन्स में, पेपर में नींबू और शहद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और हमें लगता है कि शायद नींबू और शहद हमें हर तरह से स्वस्थ कर देगा. तो ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है. नींबू और शहद का जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे पहला इफ़ेक्ट करता है आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा मोटापा है इसको घोलने में. लेकिन सिर्फ नींबू शहद यदि आप दिन भर लेंगे तो आप इससे पतले नहीं हो सकते. इसको लिमिटेड मात्रा में लीजिए. सुबह के समय इसको लेना बहुत उचित है. खाने के एक घंटे बाद जब आप लेते हैं तब ये बहुत उचित है. और ये भी हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अच्छा है, बशर्ते आपको हड्डियों से संबंधी कोई दिक्कत ना हो या फिर आपको गले में खराश होने की दिक्कत ना हो. इसके बाद हम आते हैं गाजर और चुकंदर के जूस पे. मैं इन दोनों को कंबाइंड लेना चाहूँगी. गाजर और चुकंदर, इन दोनों में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है. हमने जो जवारे का रस डिस्कस किया था उसमें भी क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है. ये दोनों प्लांट पिगमेंट्स हैं और ये दोनों आपके शरीर में खून का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं. तो गाजर और चुकंदर यदि आप मिक्स करके लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. सिर्फ गाजर लेते हैं तो आपकी आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. तो निधि जी, ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लौकी का रस रखा हुआ है, करेले का रस रखा हुआ है, तो इनके बारे में कुछ बताइए. लौकी जो है पिछले एक दशक से लोगों में काफ़ी फेवरेट हो चुकी है. मतलब जो लोग लौकी नहीं भी खाते वो लौकी का रस ज़रूर पी लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि लौकी का रस पीने से वेट जो है वो रिड्यूस होता है. वेट रिड्यूस होता है. इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़, यूरिन से संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, आजकल UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं. तो यदि आपको अपना यूरिनरी ब्लैडर और पूरा सिस्टम जो कि आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यदि सही रखना हो तो लौकी का जूस आप रेगुलरली ले सकते हैं. और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग, मैं चाह रही थी कि हम इसको अलग से डिस्कस करें, करेले का जूस. हमको ये लगता है कि सिर्फ डायबिटिक्स के लिए लेना ज़रूरी है. करेला अपने आप में बहुत न्यूट्रिशियस है और डायबिटीज़ में तो खैर ये फ़ायदेमंद है ही. अगेन मैं वापस डिटॉक्स पे आती हूँ कि हमारे शरीर में पोल्यूशन की वजह से जो हम केमिकल्स, क्रीम या मॉस्किटो रेपेलेंट के फॉर्म में हम एक्सपोज्ड हैं, उन सभी चीज़ों की वजह से शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं. करेले का जूस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा काम करता है. लेकिन इसके साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से कम भी करता है. यदि आप डायबिटिक हैं तो आप किस समय जूस ले रहे हैं ये अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को ज़रूर बताएं और आपकी दिनचर्या उस हिसाब से हो. यदि आप शौकिया तौर पे करेले का जूस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है. थोड़े दिन में आपकी स्किन अंदर से बहुत अच्छा ग्लो करेगी.
इन सारे जूसेस के अलावा निधि जी यहाँ पर कुछ स्पेशल जूसेस भी मैंने देखे और इनके साथ में मैंने अंकुरित अनाज भी देखा और उन स्पेशल जूसेस में ये था कि आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे अपने घर में भी ले सकते हैं, जैसे कि सादा मठा भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा नारियल का दूध जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे नॉर्मली कहीं पर भी मिलेगा, वो स्पेशली इस हेल्थ पार्क में यहाँ पर मिल रहा है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं? नारियल जो है ये हमेशा से हमारे यहाँ प्रसाद के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेन में फैट के जो सेल्स हैं उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, आपके जो हॉर्मोन्स हैं, आपकी पूरी हॉर्मोनल साइकिल को सही रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये आप रोज़ यहाँ पे भी ले सकते हैं, जैसा आपने कहा घर में भी ले सकते हैं। मठा जो कि दही से बनाया हुआ ना हो बल्कि मक्खन हटा के जो मठा बचता है, इसकी कैलोरी डेंसिटी बहुत कम रहती है। मान लीजिए आपको इंटेस्टिनल सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, उसमें आप पानी को मठे से कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। कम से कम 40-45 दिन ये करें तो आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है अंकुरित अनाज। यहाँ पे 5 चीज़ों को मिला के इन लोग अंकुरित बनाते हैं। अंकुरित अनाज में विटामिन सी, सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और मिनरल्स, इनका जो लेवल है ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन सुबह थोड़ा ज़्यादा उपयुक्त टाइम होता है लेने के लिए। आइडियली यदि देखा जाए तो इसको कच्चा खाना चाहिए, लेकिन यदि कच्चा आपको सूट नहीं करता है तो आप इसको हल्का सा बघार लगा के 2 मिनट रख लें, और यदि आधा पका हुआ भी नहीं सूट करता है तो इसको अच्छे से पका के फिर खाएं। बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले इन जूसेस की इन फायदेमंद जानकारियों के लिए निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच श्वेता। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये जूसेस मुझे भी पी के देखना चाहिए? तो आइए टेस्ट करते हैं कुछ जूसेस।